एक गुजराती ने सन 1999 में सूरत शहर में एक छोटे से पार्किंग से अपने ढोकड़ा बेचने की शुरुआत की थी। उन दिनों वो मुश्किल से सिर्फ 1 से 2 किलो ढोकड़ा बेच पाते थे, पर उनको पता था कि अपने ढोकड़ा में जो बात है वो और कहीं नहीं। और जैसे ही आपको पता है, एक गुजराती ने अगर कुछ करने की ठान ली तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो इसी तरह कनु भाई ने मेहनत और लगन के जरिए अपना काम दिल से किया और आज उन्होंने सिर्फ सूरत में नहीं बल्कि पूरे गुजरात में ढोकड़ा के लिए अपने अलग ही पहचान बना ली है। और मेरे भाई, आज राधे ढोकड़ा का जो स्वाद है वो हर गुजराती के दिल में जादू की तरह छा गया है। सो आइए चलते राधे ढोकड़ा की मेगा फैक्ट्री पे, जहाँ पे हर रोज बल्क में हजारों की संख्या में सूरती स्पेशल ढोकड़ा बनाए जाते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा ढोकड़ा बनने की शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो ढोकड़ा का बैटर है रेडी हो चुका है। अभी इसको परफेक्ट तरीके से मिक्स किया जा रहा है। यहाँ राधे ढोकड़ा में हर रोज के 3000 किलो ढोकड़ा बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पे एक साथ 1500 किलो ढोकड़ा बन रहे हैं। ये आ गए ढोकड़ा के बाटर के अंदर स्वीट कॉर्न। वाह भाई वाह। दोस्तों, आपको ढोकड़ा तो हर जगह मिल जाएगा, हर एक शहर में मिल जाएगा, पर जो ढोकड़ा राधे में मिलता है उसकी बात ही कुछ और है। क्योंकि ये ढोकड़ा ऐसा वैसा नहीं है, इसमें रहता है एकदम मस्त फ्रेश फ्रेश स्वीट कॉर्न। ये आ गए इसके अंदर कस्तूरी मेथी। वाह क्या मस्त दिख रहा है। सो अभी जो ढोकड़ा का बैटर है रेडी हो चुका है स्टीमर मशीन में जाने के लिए। तो अभी हर एक ट्रैक को स्टीमर मशीन में डाला जा रहा है। हमारे ढोकड़ा को बेक होने में कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा, पर फिर भी इसका जो फाइनल आउटपुट है वो बनेगा राधे ढोकड़ा के आउटलेट पे। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारा ढोकड़ा का फाइनल आउटपुट रेडी हो चुका है। वाह भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये आ गया ऑयल।
आ गया ऊपर मसाला। वाह भाई वाह, ये ढोकड़ा का जो मसाला है वो भी काफी स्पेशल है। वैसे भैया यहाँ पे ढोकड़ा में कितने टाइप के ढोकड़ा है? सबसे ज्यादा कौन सा ढोकड़ा चलता है? गार्लिक ढोकड़ा। गार्लिक ढोकड़ा, वाह भाई वाह, गार्लिक ढोकड़ा। वैसे यहाँ पे ढोकड़ा के साथ साथ और क्या क्या मिलता है? चाइनीज मंगाई, सब्जी, रोटी, पाव भाजी। वाह भाई वाह, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। पंजाबी थाली का पैकिंग हो रहा है। वाह भाई वाह, डिश में रहता है राइस, दाल फ्राई, टू डिफरेंट टाइप की सब्जी, पापड़, ढोकड़ा और वन पीस गुलाब जामुन। भैया अभी आप क्या बना रहे हो? ग्रीन गार्लिक ढोकड़ा। वाह भाई वाह, ग्रीन गार्लिक ढोकड़ा। तो इसमें क्या क्या रहता है? इसमें पालक आता है, लहसुन आता है। वाह भाई वाह, ये क्या डाला आपने? रेड चिली सॉस। वाह भाई वाह, रेड चिली सॉस। अभी आएगा इसमें ढोकला। वाह भाई वाह, स्प्रिंग ओनियन। ओनियन हो गया, ये हो गया ग्रीन गार्लिक ढोकड़ा और ये है सिजवान ढोकड़ा। वाह भाई वाह। और भाई जी ये ढोकड़ा की प्राइस क्या रखी है आपने? 180 रुपये पर केजी। सही है भाई, उसकी क्वालिटी देखो एकदम लाजवाब। राधे ढोकड़ा में आपको पाव भाजी मिल जाएगी, पंजाबी मिल जाएगा, चाइनीज मिल जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे मिलने वाले ढोकला की, तो यहाँ पे कुल मिला के 13 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। गार्लिक ढोकड़ा है, जैन ढोकड़ा है, खट्टा मीठा ढोकड़ा है, जीरा ढोकड़ा है, चीज बटर ढोकड़ा है, वेजिटेबल ढोकड़ा है, मानस ढोकड़ा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ढोकड़ा में। इतनी रेंज है कि इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा और कभी खाया भी नहीं होगा भाई। और साथ ही साथ यहाँ पे खमन भी मिलता है जिसकी प्राइस रहती है 120 रुपये पर केजी। साथ ही साथ हिदड़ा है, इसकी प्राइस भी सेम है 120 रुपये पर केजी। तो फाइनली अभी हमारे टेबल में आ चुका है गुजरात का मोस्ट फेवरेट राधे ढोकड़ा। तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया है ग्रीन गार्लिक ढोकड़ा जिसकी प्राइस है 50 रुपये। इसमें अगर बात की जाए पीसेस की, इसमें कुल मिलाकर 5 से 6 पीस है। तो इसकी जो ग्रेवी है वो भी एकदम वंडरफुल है, बहुत ही स्वादिष्ट रहती है ऐसा मैंने सुना है। तो अभी ट्राई भी करने वाले। साथ ही साथ ये देखिए, ये है यहाँ का सेजवान ढोकड़ा। वाह भाई वाह, क्योंकि थोड़ा ड्राई रहता है। और ये है टॉप फेवरेट गार्लिक ढोकड़ा। साथ ही साथ हमने यहाँ से चीज़ ढोकड़ा भी ऑर्डर किया है जिसमें ढेर सारा चीज़ है। और इनका जो मसाला है ना भाई, इनका मसाला वो कुछ एकदम खास है। इनका मसाला जैसा मैंने आज तक ढोकड़ा में और क्या मसाला देखा भी नहीं। इसकी प्राइस है 50 रुपये, इसकी प्राइस भी 50 रुपये, इसकी प्राइस भी 50 रुपये। यहाँ पर रेगुलर ढोकड़ा के साथ साथ आपको फैंसी ढोकड़ा भी मिल जाएगी। तो शुरुआत में करना चाहूँगा रेगुलर ढोकड़ा से। वाह भाई वाह, ये जो ढोकड़ा है ना वो सुपर सॉफ्ट है, मतलब कि एकदम लाइट वेट है और साथ ही साथ एकदम सॉफ्टनेस वाला है। वाह भाई वाह, जैसे बात कीजिए हमारे गुजरात में मिलने वाले ढोकड़ा की, तो सब जगह कॉमन रहता है। पर जो ढोकड़ा सूरत के राधे ढोकड़ा में मिलते हैं उसके कुछ बात ही और है, क्योंकि इसमें रहता है कस्तूरी मेथी, साथ ही साथ स्वीट कॉर्न रहता है। तो इसलिए इसका जो स्वाद है ना वो सच में दिल को छू लेने वाला है। वंडरफुल, बहुत ही मज़ेदार है। और इनकी जो चटनी है वो भी टेस्टफुल है। ऐसी चटनी मैंने पूरे सूरत में कहीं नहीं देखी। ये जो चटनी ढोकड़ा के साथ मिलती है ना, अगर आप चटनी भी खाओगे तो भी बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारी तरह हर रोज सुबह के नाश्ते में ढोकड़ा, खमन या तो विदरा खाना पसंद है, तो ये जो जगह तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जस्ट गो फॉर इट। पूरे सूरत में आपको हर एक गली के चौराहे में राधे ढोकड़ा खमन मिल जाएंगे। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। सो यस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो। आपको वीडियो ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों शेयर कर दो। और ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे पेज को फॉलो करना है। प्लीज़ आउट।